I struggle in many things. Everyone does. No one is perfect. But the thing is that सबके लिए वो struggles अलग होती हैं and सबके लिए struggle का meaning अलग होता है. So today I'll be sharing two things from which I'm struggling right now. And you can count them as three because I was struggling to make this video only. बिकॉज ये थोड़ी आपको एम्बिएंट नॉइज़ आ रही होगी एंड मुझे बहुत बक करती है ये कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहीं से ट्रक की आवाज़ आ रही है, कहीं से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कहीं से कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चल रहा है. सो या प्लीज़ आई अपोलोजाइज अगर आपको वो चीज़ बक करे. बट या द टू मेन थिंग्स दैट आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम राइट नाउ एंड दिस इज़ नॉट द कन्वेंशनल वीडियोज़ दैट आई मेक वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी, आई मेक व्लॉग्स, फन थिंग्स. बट एट टाइम्स आई थिंक दैट If I am being true to myself, मेरे को जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए एंड इट माइट हेल्प अदर पीपल ऑल्सो. लाइक कोई रिलेट कर सकता है या कोई सेम चीज़ से गो थ्रू कर रहा होगा. सो या आई जस्ट स्किप टू द फर्स्ट थिंग. द फर्स्ट थिंग इज चेंजिंग माई माइंड सेट. चेंजिंग माई माइंड सेट फ्रॉम अ कंज्यूमर टू अ प्रोड्यूसर, फ्रॉम एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर. एंड वॉट डू आई मीन बाय दैट? That from the past 24 years, I have been in an environment where everything was dictated. I was not dictating anything. Everything was dictated for me. The first 18 years of my life, मैं स्कूल में था and स्कूल में आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको किस टाइम पे कहाँ पर होना है, what is expected of you, what is like how should you be behaving, सब कुछ आपको बताया जाता है. आप बस उठ के उस environment में आपको रख देते हैं एंड देन 18 years pass by and बहुत चीज़ें आप सीखते भी हो. बट दैट इज़ लाइक कि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक सिस्टम के अंदर आप सर्वाइव कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप जी रहे हो उस स्ट्रक्चर के अंदर. देन स्कूल एंड्स, देन यू गो टू कॉलेज एंड मोर और लेस कॉलेज में भी सेम चीज़ें होती हैं. यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ एंड इफ़ यू लेवरेज दोज अपॉर्चुनिटीज़, लाइक आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, आप किसी क्लब का पार्ट बनते हो, किसी कल्चरल सोसाइटी का पार्ट बनते हो, बट दे आर ऑल्सो मोर ऑर लेस थिंग्स आर सेम. कि आपको बताया जाता है कि अच्छा ये आपका सब्जेक्ट है, आपको ये पढ़ना है, इसमें से पास होना है, डिग्री लेनी है, लाइक इट इज़ ऑल्सो सिस्टम. सो बाय दिस टाइम स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, यू आर नाउ 21 और 22 ईयर्स ओल्ड एंड यू आर गोइंग बाय द बुक. जो होता है कि अच्छा स्कूल कॉलेज, अब कॉलेज के बाद Your work life starts, your career starts, your career begins. And more or less from my thought process, in the job also, same things follow, that you are told what you need to do and you again enter into a already existing system and now you need to start building upon that corporate ladder. And more or less mujhe lagta tha ki things are the same. And I thought that I was not fitting into this regime because I didn't feel like that, ki this is the thing for me. And the main thing is that in these 24 years aisa nahi hai ki main unhappy tha. I was happy, I was doing the things in a good manner and everything was going well. But then when you zoom out and you have a perspective of life ki acha ab karna kya hai, because you can't do, if you are not liking something, you can't do that again and again because it will eat you up inside only. So I was not being rebellious, I was not protesting, I was not creating chaos, but I knew that I wanted to do something else. And this is what I meant by changing my mindset, and this is what I'm trying to do right now. Is that to change from an employee to employer. आप समझ रहे होंगे कि अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि for a person who for the 24 years उसको एक mindset create किया गया है उसका by being in such an environment, school, college, job, and then ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में आप चुटकी बजाओ और वो जो 24 साल में आपने चीज़ें सीखी हैं वो unlearn हो जाए. Even though you want to, ऐसा possible नहीं है. The things that I struggle from is that
बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड टू, या फिर मुझे ऐसा ही सिखाया गया टू थिंक लाइक एन एम्प्लॉय, एंड दैट इज़ वॉट लाइक आप रिच डैड पुअर डैड अगर आपने बुक सुनी होगी उसके अंदर भी ही सेज द सेम थिंग दैट यू आर मेड टू थिंक लाइक एन एम्प्लॉय इन द स्कूल, यू आर मेड टू लर्न लाइक एन एम्प्लॉय दैट आफ्टर यू पास स्कूल यू गो इन टू द वर्ल्ड एंड देन यू वर्क फॉर समवन एल्स. ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो ही चल रहा है हर तरफ. सो यू थिंक दैट अच्छा यही तो है और क्या है लाइफ इज दिस. बट आई कैन अश्योर यू दैट दिस शिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर माइंड सेट इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज 24 साल में आपने जो भी किया है आप ऐसे ही चुटकी में अनलर्न नहीं कर सकते. तो नाउ यू नीड टू सेट योर ओन बाउंड्रीज, योर ओन स्केड्यूल. इन शॉर्ट यू नीड टू रीडिस्कवर योर सेल्फ कम्प्लीटली, एंड वो आसान नहीं है बट इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू ट्राई टू डू दैट. बिकॉज इन शॉर्ट नाउ यू आर 100% अकाउंटेबल फॉर योर ओन सेल्फ. ये स्कूल नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये कॉलेज नहीं है, दिस इज़ लाइफ नाउ. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू चेंज योर माइंड सेट एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू द थिंग्स योर ओन वे, यू हैव टू बी अकाउंटेबल 100% फॉर योर ओन सेल्फ. सो आई हैव पीपल अराउंड मी हु आर अमेजिंग एट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, दे आर अमेजिंग एट प्रैक्टिसिंग डिसिप्लिन, एंड दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ. लाइक आई आस्क देम क्वेश्चंस कि हाउ आर यू सो ऑर्गेनाइज्ड, आप ये कैसे करते हो. दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई रिलेटिव्स, दीज आर माई कजन्स. एंड दिस इज़ वन मोर थिंग दैट इफ़ यू ट्राई टू रीच आउट समवन विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो आई आस्क दीज क्वेश्चंस, उनसे जो आंसर्स आते हैं आई ट्राई टू इनकल्केट देम इन माई ओन लाइफ. एंड प्रैक्टिस करना लाइक गोइंग फ्रॉम एन आइडिया टू प्रैक्टिसिंग इट एंड इम्प्लीमेंटिंग इन योर रियल लाइफ, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग. बट या आई एम ट्राइंग टू डू दैट राइट नाउ. So if you are going through the same thing, what I'll suggest you is that take small steps. That is what I've learned. ये मेट्रो की आवाज़ आ रही है आपको, इन चीज़ों की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था, बट आई वॉज लाइक बना के डालो तो सही, करो तो सही कुछ. एंड ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब मैं सोच रहा हूँ तो कि अरे अनमोल बना के डाल तो, बट अभी मैं अपनी छत पर बैठा हूँ तो उठ के कैमरा उठा के ट्राइपॉड उठा के माइक उठा के छत पे आना, लगाना, रिकॉर्ड बटन दबाना, ये आसान नहीं होता. इन माई हेड आसान नहीं होता, बोलने में आसान होता, बट या आई एम डूइंग दैट राइट नाउ, आई एम सैटिस्फाइड. सो या दिस वॉज नंबर वन थिंग. द सेकेंड थिंग आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम इज समथिंग कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम. अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना मैं बता देता हूँ क्या होता है. इम्पोस्टर सिंड्रोम एक वो आवाज़ होती है जो आपके दिमाग में आती है विच सेज यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम में ये काबिलियत ही नहीं है, यू आर बैड एट इट, तुम ये नई चीज़ ट्राई करोगे बहुत बकवास लगोगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, एंड वॉट एवर यू आर सेइंग यू आर नॉट क्वालिफाइड. अगर तुम किसी रूम में हो यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्वर्जेशन, विच माइट नॉट बी ट्रू. ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, बट ये दिमाग में जो हमारे माइंड में वॉइस होती है वो बोलती रहती है विच सेट्स ऑब्स्टिकल्स इन अ वे. एंड हम अगर कोई चीज़ ट्राई भी करने वाले होते हैं हम वो नहीं करते हैं. एंड दैट इज़ वॉट आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम, बिकॉज इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, इवन दो आई हैव डन अ कोर्स, आई हैव थरली रिसर्च्ड एवरीथिंग जो भी मैं बोल रहा हूँ, स्टिल आई फील लाइक एन इम्पोस्टर एट टाइम्स कि अनमोल तू ये जो भी बोल रहा है ये सही नहीं है. इवन दो वो सही है, इवन दो मैं वो रिसर्च पेपर से चीज़ें उठा रहा हूँ, स्टिल देयर इज दिस वॉइस कि अच्छा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है. एंड दैट इज़ वाई मेरा कभी कभार एक ड्राई स्पेल भी आ जाता है वीडियोज़ के बीच में. वाई? बिकॉज एक मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके बाद मेरे पास एक आइडिया आता है. जैसे मैंने एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म की वीडियो पोस्ट करी, उसके बाद मेरे पास एक आइडिया है, बट आई डोंट बिल्ड ऑन दैट आइडिया. वाई? बिकॉज ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये आते रहते हैं माइंड में एंड आई एंड अप नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. सो उससे मैं अभी डील कर रहा हूँ एंड आई एम डेफिनेटली मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है इस चीज़ में. एंड खुद के मुँह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट I started talking to the camera, making videos on YouTube in back in March 2020, I think. And
दो साल के अंदर आई डेफिनेटली हैव कम टू अ पॉइंट कि मुझे लोगों की ओपिनियन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम फाइन विद इट कि अगर कोई सड़क चलता आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, या फिर मेरे स्कूल का कोई फ्रेंड है इन पर्टिकुलर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. बिकॉज इनिशियली ये थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में कि यार सेकंड में जो दोस्त थी मेरे साथ वो मेरे बारे में क्या सोचेगी अगर मैं कैमरा पे फंबल करूँगा, या फिर आई एम नॉट अप टू द मार्क विद व्हाट आई एम सेइंग. बट आई एम डन विद दैट. आई डोंट केयर अबाउट दैट एट ऑल राइट नाउ. मेरे को कुछ भी क्लम्सी चीज़ें करा लो मेरे से जो मेरे दोस्त मेरा फ़ायदा उठाते हैं कि अरे अनबोलिया करके दिखा वो करके दिखा, एंड आई एम फाइन विद इट बिकॉज इट ओनली हेल्प्स मी टू डू मोर थिंग्स. इट हेल्प्स मी टू बी फ्री एंड बी माई सेल्फ इन द पब्लिक. बट या इम्पोस्टर सिंड्रोम इज समथिंग आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दैट. एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम द सेम प्लीज डोंट लिसन टू दैट वॉइस. बिकॉज आप अगर अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में थॉट भी आया कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ अ विन फॉर यू. बिकॉज एट टाइम्स पीपल आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. एंड अगर आपके दिमाग में थॉट भी आया कि आई हैव टू लर्न पियानो, आई हैव टू स्टार्ट स्किपिंग रोप, आई हैव टू स्टार्ट गोइंग टू द जिम एंड थिंग्स लाइक दैट, देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर जर्नी एंड द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप. आई एम श्योर अबाउट इट. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग योर सेल्फ अ बेटर पर्सन, आप बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहे हो एंड आई बिलीव इन यू. आप वो कर सकते हो, बट मेरे से ज़्यादा यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड ऑल्सो लेट मी नो वॉट इज समथिंग दैट यू स्ट्रगल फ्रॉम एंड इफ यू वर एबल टू रिलेट फ्रॉम दिस वीडियो. एंड सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना. वेन द नंबर स्टार्ट गोइंग अप यू फील मोटिवेटेड एंड yeah it tells me that you are liking the videos and I am doing something good for someone else. maine abhi psychology ke bare mein bhi main bahut cheeze pad raha hu and main abhi punjab bhi jaunga thode dino mein wapas. so I'll be making more videos, so for that also you can subscribe and I'll see you soon. keep working on yourself. bye.